एसिड्स एंड बेसिस। उससे पहले आज जो टॉपिक हमने 9th में करा, जिससे आप लोग को ये भी रियलाइज हुआ कि आप लोग 9th में कितना मिस आउट कर रहे हो, करके आए, ये भी दिखाते हैं। तो 9th में हमने सीखा था कि देयर कैन बी ईदर प्योर सब्सटेंसेस, ओके, और देयर कैन बी मिक्सचर्स। सर यही किया हमने आज। अच्छा यही करा है, वेरी गुड। सो दे मतलब H O H। हाँ हाँ सुनो सुनो ध्यान से सुनो। सो दे कैन बी टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। नो, पहले तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस जो पार्टिकल्स के ग्रुप्स होते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल इज व्हाट? पार्टिकल इज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स के जब ग्रुप फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जब ग्रुप फॉर्म होते हैं, उससे मैटर बनता है। एंड दीज ऑल मैटर इज नोन एज सब्सटेंसेस। नाउ सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर इट कैन बी प्योर सब्सटेंसेस और इट कैन बी, जो आप ये करके आप मिक्सचर्स पर, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स होते हैं एंड एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब नहीं होता सिर्फ कि एक ही टाइप का एलिमेंट, मतलब वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। वाटर इवन दो इज नॉट एन एलिमेंट, वो एक कंपाउंड है, लेकिन वो प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें एक कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस, ठीक है। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल, तो अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल है थ्रू आउट तो उसे हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स मिक्स्ड है तो उन्हें हम मिक्सचर्स बोलते हैं। ओके अच्छा, क्यों बात करी हमने अभी बता, क्योंकि एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। अब सिंस यू नाउ नो व्हाट अ सब्सटेंस इज, नाउ यू नो कि केमिकल सब्सटेंसेस क्या होंगे, जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज परटेन करें, उनके पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस आर बोथ कैटेगरीज ऑफ व्हाट? केमिकल सब्सटेंसेस। ओके इतनी बात क्लियर है? यस। एसिड्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस के स्ट्रेंथ पे बेस्ड होते हैं। ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, ठीक है। इवन तो आप लोग ने आई प्रोबेबली थिंक कि आप लोगों ने वैलेंसी कर रखी है, ठीक है, वैलेंसीज वगैरह कर रखी है, बट हम दोबारा करेंगे इन एनी केस। एंड उस टाइम पे आप लोग को समझ आएगा कि वाई, व्हाट, पहली बात तो आयन क्या होता है पता है किसी को? मुझे कौन बताएगा आयन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल, ओके। आयन क्या होते हैं? आयन क्या होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में आयन क्या होते हैं? Ions are charged substances that contains positive or negative charges. Yeah. Sir, okay. In more number. Okay. हाँ. तो basically H positive ions मतलब वो एक तरीके से positive का यहाँ पे मतलब charge नहीं है, ठीक है, charge नहीं है। मतलब जैसे electricity में charge पड़ते हैं ना, positive doesn't mean charge here, but the fact that it has extra electrons to donate, ठीक है, वो electrons दे सकता है। H positive मतलब electrons दे सकता है, ठीक है। And bases are based on strength of OH minus ions. OH minus. OH-. मतलब इसे चाहिए, ठीक है, इसको negative मतलब he wants electrons, and H positive मतलब he can give electrons, ठीक है, ठीक है। तो ये है O negative की strength पे based होता है कि मेरा base कितना strong होगा। जितनी ज्यादा strength होगी OH negative ions की, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी H पॉजिटिव आयंस की, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। यही कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे जब आगे बात करेंगे ना, तो आप लोग को समझ आएगा कैसे हाइड्रोजन गैस जो फॉर्मेशन होती है ना, जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, वो रिलीज हो जाते हैं। एंड क्योंकि हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी चीज आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इट हैज टू स्टेबलाइज, टू स्टेबलाइज हाइड्रोजन अपने साथ ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं एच टू मॉलिक्यूल, एच टू, ठीक है। इसीलिए एच टू क्या है? गैस होती है, तो गैस की फॉर्म में रिलीज होती है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें बहुत साथ साथ में बोल दी मैंने। न्यूट्रल सारी ही सब्सटेंसेस इन जनरल न्यूट्रल होंगे, ठीक है, जब तक केमिकल रिएक्शन के अंडर वो नहीं कर रहे ना, ठीक है, तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। वो न्यूट्रल मतलब आयंस की फॉर्म, ठीक है, कि आयंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा कुछ। ऑक्सीजन कभी ओ पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में रहता है? ऑक्सीजन ओ पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में रहता है? सब कल ओजोन पढ़ के आएंगे, ओजोन फॉर्मेशन कब, कल सब पढ़ के आएंगे,
ओजोन लेयर पता है ना सबको, ठीक है? फिर ये जो आपने अभी अभी बोला है ना कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है ऐसी फॉर्म में, नहीं कि आपका आइडिया चेंज। सर सर ओजोन O3 होता है ना? O3, हाँ O3 होता है ओजोन। एंड ओजोन फॉर्मेशन मैंने क्यों पढ़ने गई आपको, क्योंकि ओजोन फॉर्मेशन में यही होता है कि जब यूवी रेस फॉल करती है, मेरी यूवी रेस फॉल करती है तो क्या होता है, यूवी रेस जैसी हमारी फॉल करती है ऑक्सीजन के टॉप मोस्ट लेयर पे, एंड उसमें जो ऑक्सीजन फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, उसको वो ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन को इनटू ऑक्सीजन ऑक्सीजन आयंस, एंड एक ऑक्सीजन आयन रहता है, एंड बिकॉज एक आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो O2 के साथ जाके कंबाइन रहता है एंड O3 बन जाता है मेरा ओजोन। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये नया कॉन्सेप्ट है, वैसे ये कॉन्सेप्ट है, एट्थ में पढ़ा, एट्थ नहीं एट सेवेंथ का सर पढ़ा तो है, पर सर ये नहीं जानता था कि सर वो O+ की वजह से होता है। नहीं कोई नहीं, ये भी ए बी रिएक्शन में कराऊंगा सब, पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ो, डोंट वरी, एक बार ट्रेलर तो मिलता है ना पढ़ाने से पहले, वही चल रहा है। अच्छा अब बात करते हैं एसिड्स की, एंड एसिड्स की हमने बात कर ली कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हाँ बोलो सर, जब वो O3 फॉर्म होता है तो फिर सर यूवी रेज से डिफ्लेक्ट हो जाती है? जब O3 फॉर्म होता है तो बेसिकली यूवी रेज जो आती है ना वो O3 को दोबारा ब्रेक कर देती है, ऑक्सीजन बताती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। एंड सीएफसी जो हमने पढ़ा था ना, याद है आपको बचपन में, पहले जब आप लोग बहुत छोटे होंगे ना या फिर मेरे भी बचपन में, रेफ्रिजरेटर्स वो बेस्ड ऑन सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यस यस सर। अब सीएफसी क्या करता था कि वो टॉप मोस्ट लेयर पे एयर के चला जाता था एंड वो ओजोन को ब्रेक कर देता था, तो जो काम यूवी कर रही थी जिससे हमारी यूवी से बच रहे थे हम, उसने ओजोन में होल कर दिया, इसीलिए सीएफसी की प्रोडक्शन। अब आपके घर में किसी के भी घर में कोई भी फ्रिज हो, नन ऑफ दैट इज बेस्ड ऑन सीएफसी, ओके? बिकॉज दैट तो फिर अब कौन सी गैस यूज होती है? नहीं अब गैस नहीं, डिफरेंट गैस, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता, क्लोराइड ट्यूबलाइट के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है। चार प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव। आपके घर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे डिस्पोजी करा था हमने, ये जो ट्यूबलाइट्स हो, ये जो आपके सीएफएल्स हो, इन सब में प्लाज्मा हो, ठीक है, इन सब में प्लाज्मा, ठीक है। इवेंचुअली आपने प्लाज्मा बॉल देखी है? प्लाज्मा बॉल? No, I haven't seen that. I do will find out what this is. It seems interesting to me. But anyway, Bose Einstein quantum. Do you know I can name around 13 states of matter. So there are a lot of states of matter. मैं पांच से ऊपर से नहीं गा कर सकता सर मैं. पांचवा कौन सा है? मतलब. सर Bose Einstein का है condensate सर plasma. ठीक है. Dark matter is also state of matter. Antimatter is also state of matter. ठीक है. ये सब. Yes. हाँ. एंटीमैटर बन चुका है, इनफैक्ट रियल लाइफ में, नेगेटिव, डोंट गो इनटू दैट, जस्ट डोंट गो इनटू दैट, बैक टू केमिस्ट्री, बैक टू आवर रियल वर्ल्ड, बैक टू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, टिपिकल पढ़ाई। चलो अब बेसिस भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड बेसिस भी वीक हो सकते हैं, बेसिस भी दोनों स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो सकते हैं। अब हम एसिड्स की हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी थी, वो एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे physical, properties, आर लग रहा है, physical properties की बात। अच्छा पहली physical property, okay, tastes are generally physical properties में आता है कि acids खट्टे लगते, ठीक है, उनकी नेम, मैंने जैसे आपको बताया था कि नेम, एसिड नेम भी डिराइव्ड है एक ऐसे वर्ड से जिसका मतलब सार हो, खट्टा, तो एसिड बेसिकली कहां से आया, सार से। नॉट ऑब्वियसली हम सारे एसिड नहीं करेंगे, अगर आपको HCl मिले तो उसे मत चाटना, जीप चल जाएगी, ठीक है, नेवर नेवर डू दैट, नॉट अ गुड वे टू अंडरस्टैंड, प्लीज, सिट्रिक एसिड इज ऑनली नीम, ठीक है, ऑरेंज, इन सब चीजों में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, इसीलिए वो क्या होता है, and citric acid is good for health. Sir, what is malic acid? क्या? Malic acid. Sir, एक वो तो होता है sir, lactic acid. Lactic acid. Sir, तो muscles में हो जाता है. हाँ, lactic. No. Lactic acid. हाँ, sorry. मैंने अब बताता हूँ. Sir, वो curd में होता है. आपने एक concept respiration में पढ़ा होगा है.
यस सर, लैक्टिक एसिड सर, जब वो सर जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप बहुत ज्यादा भागते हो, यस सर, बहुत ज्यादा भागते हो, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एंड योर बॉडी नीड्स कंटीन्यूअसली ग्लूकोज टू ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवेंचुअली गिव यू एनर्जी बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मतलब देयर इज सर 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 में हीट, द रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक्सोथर्म. जरूरी नहीं है ये सल्फर थर्मल एक्सोथर्मिंग हो. आप बोलो बोलो जवान, क्या बोल रहे हो सर? बस सर, सर जरूरी नहीं है सर वो हीट ही होता है सर, और भी हो सकता है एक्सोथर्मिक. यस सर. तो जैसे फोटोसिंथेसिस का एंडोथर्मिक था, ठीक है, एंडोथर्मिक क्यों था? क्योंकि उसमें लाइट यूज होती है सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. यस सर, ठीक है, तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एंडोथर्मिक था. तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि जब हमें इनफ, हम बहुत कंटिन्यूअसली रन कर रहे हैं, ग्लूकोज की तो कंटिन्यूस सप्लाई है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग का एक पर्टिकुलर रेट ही होता है, ठीक है, उससे ज्यादा तेज में ब्रीद नहीं कर सकता. तो मेरी बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो एंड सिंस मेरे बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो मेरा जो ये प्रोसीजर है ऑफ रेस्पिरेशन, ये एनएरोबिक हो जाता है फिर. हाँ, तो एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो होता है लैक्टेट. यस सर, उससे क्रैम्प्स हो जाते हैं, उससे ही क्रैम्प्स होते हैं, वो जो लैक्टिक एसिड, एंड इसीलिए मसाज हेल्प्स इन इन चीजों में, क्योंकि वो बेसिकली डिसिमिलेट करती है ऑयल. हाँ, ऑयल भी, तो बेसिकली आप मालिश करते हो तो वो फैल जाती है, एंड इवेंचुअली वो बाय प्रोडक्ट वेस्ट की तरह निकल जाती है. सर, लैक्टिक एसिड और किन चीजों में होता है? कर्ड में होता है. हाँ, कर्ड में भी लैक्टिक एसिड. हाँ, तो लैक्टिक एसिड इज अ, कर्ड से ही बात स्टार्ट हुई थी, इनफैक्ट हम एक्सरसाइज पे चले गए कि लैक्टिक एसिड इज एन मर जाती है. हाँ, नहीं नहीं, जो जब बेसिकली जब वो बाइट करती है, ठीक है, एंड बाइट इज अ पर्टिकुलर एसिड, विल डिस्कस ऑल दैट, ओके. It is also, it does release an acid into body. Sir, formic acid. हाँ, formic acid, right, correct, correct. Formic acid release करती है जब ants bite करते हैं. So, फिर baking soda लगाते हैं सर, उस पे तो ठीक हो जाता है. हाँ, baking soda, because क्यों? Neutralization effect. Yes. क्योंकि हम पढ़ेंगे. Sir, bee sting. हाँ, ठीक है, bee sting में भी वही करते हैं. ठीक है. In fact, जब मैं 10th में था ना, I actually used to carry a small pouch of baking soda, just कि अगर कभी मेरे को bee काटे. Fortunately, कभी नहीं काटा, and that was a waste. But yeah, you could do that. It does have a good, it has a serious effect. वो जो आप खड़े गरम करके लगा रहे होते हो ना, उससे अच्छा बेकिंग सोडा लगा. सर, उससे रैशेस हो जाते हैं. किससे? कड़े से. सर, वो कहते हैं ना चाबी रगड़नी चाहिए. हाँ हाँ, नहीं, रैशेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इतनी गरम करके उसे लगाओगे तो रैशेस तो होंगे ना, क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, तो डोंट डू दैट. एनीवेज, आप बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युएबल इन वाटर. ठीक है, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. सॉल्युएबल इन वाटर का मतलब क्या होता है कि वो एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, एक्वियस सॉल्यूशन. जब आप लोग सबने पेपर्स दिए थे ना, मैंने सबके पेपर में एक चीज जरूर करी है कि जहां जहां आपने कंपाउंड लिखे ना, उसके आगे मैंने मेंशन करा सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, उसका स्टेट ऑफ मैटर बताओ. एंड एक मैंने ए क्यू भी लिखा है. ए क्यू क्या मतलब? एक्वियस सॉल्यूशन. बेसिकली पानी में अगर वो पानी में डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बनाती है तो उसको बोलते हैं हम एक्वियस सॉल्यूशन. ठीक है, तो सोल्यूएबल इन वॉटर, ऑल एसिड्स, ऑल एसिड्स आर सोल्यूएबल इन वॉटर, इसीलिए तो डाइल्यूट कर पाते हैं. डाइल्यूट मतलब पानी में ला रहे हैं और एसिड की कम कर रहे हैं, बेसिकली एफिशिएंसी जो वो काम कर रहे हैं. एसिड में नहीं लिखोगे, अगर एसिड पानी में मिली हुई है तो एक्वस सोल्यूशन लिखोगे. ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट इज एन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, सल्फेट एसिड नहीं है, H2SO, कॉपर सल्फेट क्यों है? क्योंकि कॉपर के COH क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन में कुछ और होता है, मतलब उसको कुछ और कहते हैं, और दूसरे स्टेट में उसे कुछ और कहते हैं. एग्जैक्टली, नहीं ये तो फिर फर्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं सर. मतलब सर CaCO3 बन जाता है जब उसे, नहीं वो बेसिकली वो तो रिएक्शन है बाद में, जो जब एयर के साथ रिएक्ट करती है तो बनती है, जो आपने पढ़ा होगा. क्या पाइप वॉश करके छोड़ देते हो एंड देन एयर के साथ पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं. वो तो बाद में होता है, लेकिन CaOH वाली CaOH दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है,
एंड उनके दोनों के ही डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली एक सॉलिड आएगा, एक आएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन, वो बात करेंगे बाद जब रिवीजन करेंगे फर्स्ट चैप्टर, अभी के लिए उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी थ्री, ऑल डाइल्यूट एसिड्स एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाई इज दिस अ फिजिकल प्रॉपर्टी ये बताओ पहले, फिजिकल क्यों? कुछ नया फॉर्म होता है, कुछ नई रिएक्टेंस होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स आता है, ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं एंड कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होना मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, हर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो एसिड में क्योंकि एच पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास, फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है एसिड वाटर के सॉल्यूशन में, एसिड ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा एंड यही कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो हम घर में पानी पीते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, टैप वाटर इज अ कंडक्टर बिकॉज उसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं एसिड, एंड अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल दूं तो कंडक्टर बन जाता है। सर डिस्टिल्ड वाटर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता? नोप, डिस्टिल्ड वाटर क्योंकि H2O है, H2O में कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या? ठीक है, नहीं ना, H2O आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल्स फालतू नहीं है इसके पास, तो नहीं। यप एग्जैक्टली, यू हैव टू स्पेसिफिकली, सर टैप वाटर और सर डिस्टिल्ड वाटर में सर फर्क क्या है सर? मतलब सर उसको सेम ही लिखते हैं तो लिखते हैं मिनरल्स होते हैं सर, प्योरिटी इंप्योरिटी, बेसिकली उसमें इंप्योरिटीज होती है, मिनरल्स होते हैं सर, पर उसको लिखते हैं सर हम लोग H2O ही है ना सर दोनों को? नहीं नहीं, अगर आप टैप वाटर को H2O लिखते हो गलत है, इट इज नॉट जस्ट H2O, इट इज अ मिक्सचर, इट इज इनफैक्ट अ मिक्सचर जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिक्स है, टैप वाटर में सिर्फ पानी नहीं है, H2O इज नॉट टैप वाटर, H2O इज डिस्टिल्ड वाटर। ओके ठीक है सर, ओके। And then एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम बहुत बार कर चुके, टर्न्स रेड लिटमस, ओके थैंक यू, थैंक गॉड सर, ब्लू लिटमस रेड, एक्जेक्टली, दिस इज समथिंग वी डू अ लॉट, मैं गलत लिखता हूँ एंड देन अगर ये मुझे करेक्ट नहीं करते है, तो क्या होता है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, वर्ड करना पड़ेगा ना कुछ, तो लिखते रह जा आप ले, हाँ एग्जैक्टली, रिमेंबर दैट क्वेश्चन आई गेव यू अबाउट मैथ्स, कि इफ दे हैव नो क्लू दे'ल राइट डाउन फॉर हाफ एन आवर एंड आई वोंट इवन टेल देम इन मीटिंग बिकॉज इट इज फन एक्चुअली, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन्स इट्स एक्चुअली फन फॉर बिकॉज आपके एफर्ट पड़ रहा है, मेरा तो एफर्ट नहीं पड़ रहा, मुझे दोनों चीजें आती है बट आपको एफर्ट पड़ रहा है, तो इफ यू वॉन्ट योर एफर्ट टू बी लेस दिमाग में, हाँ क्योंकि घाट के दोबारा तो ऐसे ही होगा, तो दिमाग चलाया करेगा, तो टर्न ब्लू लिटमस रेड। ओके बेसिकली ये पॉइंट इतना नहीं है, ये बेसिकली कह रहा है कि इट हैज एन इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, बेसिकली इसने सिंपल भाषा में बोल दिया कि टर्न ब्लू लिटमस रेड, बट ये पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि वो इंडिकेटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, जैसे कलर क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, स्मेल क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कलर और उसके बाद स्मेल एंड और व्हाट एल्स कुड बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप साइज, शेप तो चेंज होगा नहीं बट मैं ऐसे कह रहा हूँ शेप साइज, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, टेम्परेचर को हम फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं, क्यों वो बात करिए, टेम्परेचर इज नॉट टेम्परेचर क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर अगर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर अगर आप मेजर कर रहे हो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, वो किस वजह से हुआ, ठीक है, बिकॉज हीटिंग हीटिंग समथिंग, ठीक है, इज व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन, ओके थर्मल, या एग्जैक्टली थर्मल, बट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन हीटिंग, कि एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व, तो केमिकल ये एक केमिकल प्रोसेस, हीटिंग इज इटसेल्फ अ केमिकल, ठीक है, क्या एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ड्यू टू हीटिंग सर, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज,
एंड सर इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. या एग्जैक्टली यही तो बात कर रहे थे हम कि इट्स नॉट अबाउट टेम्परेचर चेंज से क्या हो रहा है, इट्स अबाउट टेम्परेचर चेंज किस वजह से हुआ है. ठीक है, इन टेम्परेचर व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर इट्स अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है. जैसे वैक्स स्ट्रिप बोला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कभी कि वैक्स स्ट्रिप में फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है उसकी, बट टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया ना. लेकिन हीटिंग समथिंग एनी टाइम, कंबशन, कंबशन इज बेसिकली जो फ्लेम्स में चीजें बन रही है, बर्न हो रही है कुछ, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. बिकॉज यू कैन नॉट, वुड अगर मैं बर्न करूं तो एशेस से वुड आप दोबारा नहीं ला सकते. वी आर नॉट इन अ डिज्नी मूवी. क्या? हाँ, वो वैक्स के वेपर्स में लॉस होता है, नॉट वही ना. एग्जैक्टली नहीं, रिवर्स. बेसिकली वेपर्स ही तो फॉर्म हुआ है, वेपर्स बर्न अप हो गए. तो दैट पार्ट ऑफ इट इज अ केमिकल रिएक्शन, द बर्निंग ऑफ वेपर्स एंड द पार्ट वेयर इट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. कबीर ने क्या बोला, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल रिएक्शन. ओके, देयर इज अ डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बोथ द डायमेंशंस ऑफ. ओके सर, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स केमिकल चेंज. या एग्जैक्टली, क्योंकि वेपर्स बर्न हो रहे. ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. We'll do that. Don't worry about. अच्छा, basis के लिखे physical properties. हाँ, ये note करो, जल्दी से note करो. शायद से लिखो. दोबारा लिखो. अच्छा, नहीं लिखा है? कोई नहीं, दोबारा लिखो. No sir. Note share नहीं करे मैंने अभी तक. अच्छा. Sir, what are the similarities in acids and bases? Yeah, long ago. So this is what I'm telling you. You would daily feel like it's a new chapter. This is obviously. It has an effect on indicator similarity. हो सकती है. हाँ, it has an effect on indicators वाला क्या बोल रहा हूँ? सर वो सिमिलैरिटी हो सकती है दोनों के बीच में. I was asking that what are the similarities between acids and bases. हाँ, सही बात है, ये सिमिलैरिटी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है. Thank God, Devansh, आजकल आप एक्टिव है. क्या बात, Devansh, तब भी ठीक है? Yes sir, ठीक है. Okay, great. किसी ने कभी नहाते टाइम हर सबके मुंह में सोप चला जाता होगा थोड़ा, टेस्ट कैसा करता है? Bitter. Tasty. Tell me tasty. Don't say me tasty होता है. Okay, good. अलग ही टेस्ट, बेकार लगता है. नॉट गुड, यू कुड से नॉट गुड. अलग क्या होता है? सॉल्टी. गुड. व्हाट, पतंजलि के साबुन यूज करते हो? आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. एनीवे, क्या? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सोप यू यूज. ठीक है, इफ आई एम यूजिंग लाइफ बॉय, आई वुड नॉट, वुड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ इट. आई हेट इट, इट डज नॉट टेस्ट गुड. What is basically I'm trying to say is कि bases जो होते हैं वो bitter taste करते हैं. ठीक है, bitter, कड़वा. Dude, क्यों? क्यों? अन्य क्यों नहीं करना taste? हम बता रहे हैं ना आपको physical features. तो जब हमारी classes school में होती थी तो तब भी मैम यही करते. क्या taste कराते थे आपको? नहीं. ये सुन के कोई टेस्ट मत कर लेना. एग्जैक्टली, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ बच्चे शक्तिमान देख के अगर छत से छलांग लगाते हैं तो आई डोंट नो आपको कैसे टेस्ट करने ना. आई डोंट नो, इट्स इम्पोर्टेंट टू टेल यू दैट. जल्दी लिखो. हाँ, तो वही क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी तो है इंडिकेटर्स को चेंज करना, एक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी तो है. There is a short chance that your class would be a little shorter because I forgot my charger. Sir, why? Because I forgot my charger. No problem. Sir, discuss next class will be extended. डाउट लेना है बस आप, है मतलब सबकी पढ़ाई छूट जाए, डाउट किया नहीं.
Anyway, why will the class be short? I'm saying the battery is low and I forgot my charger. Yeah, no problem. पहले physical properties लिख लेते हैं. चलो. तो हाँ नहीं लिखवा. It tastes bitter. Don't worry, 10 मिनट ही बचेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है. सकता रो मत की मतलब अभी खत्म हो जाएगी. Tastes sour. Okay. Bitter. Oh sorry, bitter. Tastes bitter. अच्छा. नेक्स्ट पॉइंट आई डोंट नीड थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन बेटर समझ आ गया सबको बेटर का मतलब तो हाँ बस चलो फील स्लिपरी टू स्किन स्लिपरी यस स्लिपरी टू स्किन ओके थर्ड पॉइंट सम बेसिस आर वाटर सॉल्युबल ठीक है Some bases, not all, some bases are water water soluble. Okay? Example लिख ले soluble वाले क्या कौन कौन से होते हैं विनेगर एसिड होता है एसिटिक एसिड विनेगर इज एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है यस सर इज KOH वाटर सॉल्युबल क्या बोल रहे हो सर इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आई थिंक सो एक सेकंड लेट मी रीचेक second I guess so let me confirm it once KOH yep NaOH and KOH potassium hydroxide are both water soluble okay yes and obviously same ye point ki effect has a change an effect on indicator it turns red litmus blue इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते नो सी द थिंग इज कि बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ये प्रॉपर्टी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हाँ नहीं सही बात है बट यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं नॉट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ठीक है ठीक है हाँ नहीं ठीक है अच्छी बात है पॉइंट याद क्लियर है इतना ओके यस सर सम एसिड आर कुड से दैट ओके नो प्रॉब्लम इन दैट बोथ बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस कैन हार्म अस ओके दे हैव दे कैन बर्न अस स्किन दे कैन पेनिट्रेट थ्रू अस स्किन सो इट्स हार्म For example, अगर dilute HCl आप अपने हाथ पे डालोगे, everything in your hand will melt. Everything. Don't try this at home. I don't think आपके पास HCl है, but अगर मिल भी जाए तो don't try this at home. Your hand will melt. क्या? Sir, do you know what is piranha solution? What is? Piranha solution. I have heard of it. I don't remember actually what it is. Piranha fish नहीं होती है, sir, जो बहुत तेज खा जाती है. Piranha. अच्छा, okay. मेरे को सॉल्यूशन सुनाई दे रहा हाँ पता है पिराना सॉल्यूशन ही बोल सॉल्यूशन बोल अच्छा फिर ठीक है सॉल्यूशन ही बोल रहा हूँ ठीक है आई डोंट नो सॉल्यूशन क्या है मुझे एक्चुअल फिश पता है क्या है यस सर वो तो मुझे पता है बट सर सॉल्यूशन से सॉल्यूशन ही पता रिलेटेड होगा उससे कुछ इट आई हैव अ बैड फीलिंग कि ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है हमारे लिए गिवन इट्स नेम पियाना सर ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है सर प्लास्टिक पतंग मेल्ट कर सकता है और उसका कलर वापस से वाइट कर देगा Sir, I know. Sir, it is hydrogen peroxide. अच्छा, okay, okay. And I guess HCl. Okay. Let me check. Mixture of the two acids. Okay. Sir, and water also. And water also, okay. That diluted mixture of all. Okay, no problem. अच्छा, acids can be of two types. Mineral.
नहीं नहीं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक सर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ओके पढ़ेंगे ये चीज, आई थिंक आई हैव हर्ड ऑफ दैट समवेयर एंड विल डेफिनेटली सी इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, रेशियो भी देखेंगे मिक्सचर किस रेशियो में बना हुआ, पढ़ लेंगे एक बार, आई विल नोट दैट डाउन. यू सेड व्हाट व्हाट वाज द नेम, पियाना पियाना सुन, ओके ओके ओके. अच्छा मुझे डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, आपको समझने की बात है कि ऑर्गेनिक और मिनरल में क्या डिफरेंस है, ठीक है. ऑर्गेनिक जो बेसिकली बेसिकली लिविंग सोर्सेस है, लिविंग सोर्सेस, एंड मिनरल जो नॉन लिविंग सोर्सेस है. अभी बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में CH3COOH, व्हाट इज दिस, बताओ, एक नंबर दूंगा पेपर में, ऐड गुड, वन नंबर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर, करेक्ट, विनेगर लिविंग सोर्सेस, ठीक है, लिविंग सोर्सेस से है, तो CH3COOH इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड की बात करें सर, वो नो लिविंग, सर वो नॉन लिविंग है, एन मिसिंग है, सॉरी नॉन लिविंग, HCl क्या, विनेगर करेंगे, ठीक है, डिराइव कैसे करते, कहाँ से आता है बेसिकली कर लेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि लिविंग सोर्स ऑर्गेनिक का एग्जांपल देना है, तो वो CH3COOH, ठीक है. अगर मैं गैस्ट्रिक एसिड की बात, गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, okay, I'm sorry, HCl. गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है, HCl होता है, ठीक है सर, HCl. अच्छा HCl. अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि HCl इज अ मिनरल एसिड है ना, बट हमारे बॉडी के अंदर भी सीक्रेट होता है ना, तो मुझे कल आप एक फाइंड करके आओगे तो HCl को मैं क्या बोलूं, मिनरल एसिड बोलूं या ऑर्गेनिक बोलूं, इज अभी देखेंगे, इज HCl मिनरल लग रहा है मेरे को, तो मिनरल, अगर मिनरल है तो बॉडी में कैसे आता है, एंड चलो ये फाइंड करोगे आप, इज HCl मिनरल, ऑर्गेनिक मतलब समझ नहीं आया सर, ऑर्गेनिक मतलब सर कहां से, मतलब ऑर्गेनिक मतलब लिविंग सोर्सेस से जो आएगा, ठीक है, तो लिविंग सोर्सेस होंगे उनसे जो एसिड्स आएंगे वो ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड नॉन लिविंग से और मिनरल एसिड्स, देयर इज अ मच मोर केमिकल एक्सप्लेनेशन टू इट, तो अभी हम नहीं कर रहे बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करी नहीं है तो उसमें हमको करनी है, ठीक है. क्या हाँ, नॉन एस्ट्रेस बोल लिख सकते हो, ठीक है, ये बात क्लियर है. अच्छा बेसिस के भी कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस, ओके, बाय द वे NOH एंड KOH बोथ इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यस स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है. अच्छा अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम एनीवेज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आई वांटेड एन ओवरव्यू ऑन प्रॉपर्टीज लिखवाना इसीलिए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एनीवेज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. And okay. अच्छा ये बात कर ली हमने complete, ठीक है. अब मेरे पास कुछ questions है, एक दो questions है जो मैं आपसे पूछूंगा, you'll try to find out answers and think about. सर base का नहीं लिखा, क्या किसका नहीं लिखा, base के types, base के organic and inorganic नहीं होते, ठीक है सर, तो वो क्या होता है, mineral होते हैं organic, वैसे वैसे बेसिस जनरली सारे अगर मैं बोलूं तो नॉन लिविंग सोर्सेस से डिराइव्ड होते हैं वैसे, लेकिन दे कैन बी बेसिस जो ऑर्गेनिक सोर्सेस में भी आए. आई कैन नॉट सी दिस इन द बुक दैट दे हैव डिवाइडेड इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक, अच्छा आई एम नॉट डिवाइडिंग इट इन, बट या बेसिस आल्सो आल्सो कैन बी डिराइव फ्रॉम बोथ सोर्सेस, मिनरल और ऑर्गेनिक. नो बट या ओके इन अ सिंपल वे, इन अ सिंपल वे यू कुड से दैट, ओके. अच्छा पीएच स्केल की बात हम कर चुके हैं, होप लास्ट क्लास, ठीक है, पीएच स्केल पे कौन सी चीज कहाँ पे आती है ये हम बात करेंगे टेबल बना के, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, टेबल बना के करेंगे, ठीक है. एंड
आई हैव अ स्मॉल टास्क फॉर यू, राइट इट डाउन. मैं सारी नाम लिख रहा हूँ, कॉमन नेम्स, कॉमन में उसे केमिकल नेम. हाँ बेसिकली आपको इसकी केमिकल नेम्स एंड एसिड है वैसे ये पता करके आप, ठीक है. कॉस्टिक सोडा, अभी मैं पूछना मत ये क्या है क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर ऑब्वियसली मैं प्रॉपर्टीज ये बता ही दूंगा. मैं बताऊं? नहीं, नो वॉशिंग. सर आप कॉस्टिक सोडा दे दो तो कॉस्टिक पोटैश भी दे दो. नहीं सिर्फ यही दूंगा इधर. बेकिंग सोडा, नहीं रैंडमली कर रहे हैं. एंड ब्लीचिंग पाउडर, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी डिस्कस कर रहे थे वो तो. पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस. पेरिस क्यों बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों? I will try to find किसका नेम आंसर है, ठीक है? ओह, नाइस. Do you think I actually read and said? नहीं, it's a nice part. It's a nice part. I like that part. सर इसमें करना क्या? क्या बोल रहे हो? सर हमें इसे इसमें करना क्या? बेसिकली आपको सबके केमिकल नेम ढूंढने हैं एंड रिएक्शंस क्या होते हैं वो ढूंढने हैं. पहले केमिकल नेम्स ढूंढो बस काम.